नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। निजी अस्पतालों में 50% बेड रिजर्व होंगे, अब इंडोर में 30 और खुले कार्यक्रम में 50 लोग ही जुट सकेंगे। एम्बुलेंस वाले ने गुड़गांव से करनाल के मांगे 50,000 रूपए, अमरोहा में बेड ना मिला तो 3 घंटे एम्बुलेंस में दी ऑक्सीजन। मनचाहे रेट पर बेचा ऑक्सीजन सिलेंडर, 30,000 रूपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने के आरोप में कंपनी मैनेजर गिरफ्तार, सील किया गया प्लांट। रात का पारा सामान्य से 10 डिग्री कम, 30 से बारिश की संभावना। यमुनानगर में धार्मिक स्थल पर पंजाब की महिला से बाबा और 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, FIR हुई दर्ज। हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।